सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको सी प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम या फिर पाइथन के प्रोग्राम अगर आपको ऑनलाइन कंपाइलर पे रन करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऑनलाइन जा कर के कंपाइलर से अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं न्यू टैब पे आऊँगा और यहाँ पे आपको लिखना है ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ऑनलाइन कंपाइलर लिख देता हूँ और उसके बाद आपको एंटर करना है, ठीक है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आना है नीचे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो यहीं पर दोस्तों मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे ये ऑनलाइन सी कंपाइलर है जिस पे हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, आपको एक सिंटेक्स देखने को मिलेगा और ये आपका इंट मेन रहेगा और प्रिंट एफ है। अब दोस्तों अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो हेलो वर्ड यहाँ पे लिख के आ चुका है। तो ये सी प्रोग्राम है और उसके बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज अगर यहाँ पे मैंने जावा सेलेक्ट कर लिया है तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जावा प्रोग्राम यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे जावा प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक किया, देखिए हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। और सेम दोस्तों यहाँ पे आप पाइथन 3 पे क्लिक करिए तो आप पाइथन के प्रोग्राम को भी इजीली रन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी प्रोग्राम अगर आपके पास है तो आप इजीली यहाँ पे आज आकर के रन कर सकते हैं। और आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।